कक्षा नवम अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस अध्याय के पाठगत प्रश्न तथा उसके उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न आता है, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां, एक उपयुक्त एवं पौष्टिक आहार तथा शुद्ध पेयजल, दूसरा अच्छे सामाजिक पर्यावरण। अगला प्रश्न, रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। उत्तर, रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां, पहला व्यक्तिगत तथा घर की स्वच्छता, दूसरा टीकाकरण। प्रश्न, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न, क्यों? हाँ, दोनों प्रश्न के उत्तर एक जैसे हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छे होते हैं तो रोग संक्रमण का संभावना कम होता है एवं अच्छा स्वास्थ्य का मतलब शरीर रोग से मुक्त है। तो रोग से बचने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए आवश्यक स्थितियां समान है। प्रश्न, ऐसे तीन कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं? तीन कारण, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बिना किसी कसरत के थकान महसूस होना, ऐसे बहुत सारे बीमारी होते हैं जिनके लक्षण प्राय एक जैसे होता है। ऐसे कोई भी अप्रत्याशित लक्षण नजर आए तो चिकित्सक के पास जाना चाहिए कि ये लक्षण वास्तव में किस बीमारी के कारण हो सकता है। अतः रोग के लक्षण से केवल पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारी है, तो जांच कराना जरूरी है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? पहला, यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त है, दूसरा यदि आपके शरीर पर जू है, तीसरा यदि आप मुहासों से ग्रस्त है। उत्तर, पीलिया रोग का प्रभाव लंबे समय तक होता है और इसमें यकृत क्षतिग्रस्त होता है, इसलिए यदि कोई पीलिया रोग से ग्रस्त होते हैं तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मृत्यु भी हो सकता है। प्रश्न, जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? उत्तर, बीमार होने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाते हैं, साथ ही पाचन तंत्र भी कमजोर हो पड़ता है और भूख कम हो जाती है। सुपाच्य भोजन नरम होता है और आसानी से पचकर शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पोषण युक्त भोजन से रोग के विरुद्ध लड़ने की शक्ति भी मिलती है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। पोषण युक्त भोजन से विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व की क्षतिपूर्ति हो जाती है। भोजन शरीर में ऊर्जा देती है। प्रश्न, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? उत्तर, बहुत से सूक्ष्मजीवी कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न उपाय से फैलते हैं। पहला, ऐसे रोग के सूक्ष्मजीव हवा द्वारा फैलती है। जब रोगी छींकता है अथवा खांसता है उस समय छोटे छोटे बुंदक बाहर निकलते हैं। जब उसके सामने कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा वो बुंदक उसके शरीर में प्रवेश करता है, जिससे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाते हैं। दूसरा, जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग तथा हैजा से ग्रसित रोगी के अवशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में उस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है, जिससे वो भी उस रोग से ग्रसित होते हैं। तीसरा, लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। चौथा, दूषित भोजन या पानी द्वारा। पांचवा, दूसरे जंतुओं या कीट द्वारा। प्रश्न, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? उत्तर,
संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। पहला, टिफिन खाने से पहले हाथों को अच्छे से साफ करना है। दूसरा, स्वच्छ पेयजल का उपलब्ध होना। तीसरा, विद्यालय के आसपास के परिवेश साफ सुथरा रखना है। चौथा, विभिन्न रोगों तथा टीकाकरण के बारे में विद्यार्थियों को बताना है। पांचवा, संक्रामक रोगों को फैलने के कारण से छात्र को परिचित करवाना है। छठा, विद्यालय के आसपास जल जमने नहीं देना है। प्रश्न, प्रतिरक्षीकरण क्या है? उत्तर, जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ये प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। प्रश्न, आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध है? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या है? उत्तर, हमारे पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के निम्नलिखित कार्यक्रम उपलब्ध है। पहला, पोलियो। दूसरा, BCG। तीसरा, टिटनस। चौथा, DPT। पांचवा, बूस्टर डोज। चेचक, हेपेटाइटिस AB। और छठा, HNI की जांच। अब हमारे क्षेत्र में मुख्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्या क्या है? तो उसमें सबसे मुख्य समस्या जो है वो है पोलियो, मलेरिया, डेंगू, हृदय रोग आदि।